क्लास LKG स्टूडेंट, तुम लोग आफ्टर बिफोर बिटवीन समझ गए होगे, पर आज मैं तुम लोगों को एक साथ मैं बता रही हूँ और तुम लोग ये तुम लोग लर्न कर लिए होगे कि आफ्टर मीन्स क्या होता है, बिफोर मीन्स क्या होता है, बिटवीन मीन्स क्या होता है। आफ्टर मीन्स फॉरवर्ड काउंटिंग, बिफोर मीन्स बिफोर बैकवर्ड, बिटवीन फॉरवर्ड काउंटिंग। अब एक चीज़ और है तुम लोग को इसको करने के लिए, जो मैंने बताया था कि तुम लोगों को यदि तुम लोग काउंटिंग लिख लेते हो 1 to 10 तो उससे तुमको आगे का नंबर भी तुम लोग को पता चल जाएगा कौन फॉरवर्ड होगा कौन बैकवर्ड होगा। जैसे देखो यहाँ 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इससे आगे तुम लोगों को लिखना तो काउंटिंग तो बहुत आगे तक जाता है, पर तुम लोग इससे तुम लोग ये कर लोगे कि कैसे क्या फॉरवर्ड होगा, क्या बैकवर्ड होगा, क्या बिटवीन होगा, या क्या आफ्टर होगा, क्या बिफोर होगा, और क्या बिटवीन होगा। आफ्टर मीन्स तुम लोग को बताए थे फॉरवर्ड काउंटिंग, या बाद में, या नीचे। अब हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ देखो क्या है, व्हाट कम्स आफ्टर, आफ्टर है 2, आफ्टर मीन्स नीचे। यदि इस काउंटिंग को देखोगे कि ये वर्टिकल फॉर्म में है तो जो नीचे का होगा वो आफ्टर होगा। तो आफ्टर क्या है, आफ्टर 2 का जस्ट आफ्टर क्या होगा, 2 का आफ्टर होगा 3। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 3। इसी तरह से अब बिफोर हम लोग को करना है, तो बिफोर का मतलब ऊपर का, ऊपर का देखेंगे। जैसे देखो ये स्मॉलर टू बिगर है, बिगर है, तो ऊपर का हम लोग देखेंगे। तो यहाँ क्या है, सबसे पहले हम इस नंबर को देखेंगे किसका बिफोर करना है। तो यहाँ देख रहे हैं 4 का हम लोग देखेंगे, बिफोर में हम लोग ऊपर का नंबर देखेंगे, 4 के ऊपर क्या है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। इसी तरह से अब बिटवीन में क्या करना है, हम लोगों को फॉरवर्ड काउंटिंग करना है। जो भी नंबर दिया रहे और बीच में ब्लैंक बॉक्स है, तो हम लोग वहाँ से जो भी नंबर दिया है वहाँ से हम लोग फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे, या कहो काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ क्या है, 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे, चलो 2 3 4 आ गए हम लोग यहाँ तक। हम लोग को जब तक ये नंबर नहीं आता तब तक काउंटिंग करेंगे। यदि ये नंबर नहीं आता तो इसका मतलब तुम्हारी काउंटिंग सही नहीं है। तो यहाँ 2 के बाद क्या होता है 3 के बाद क्या होता है 4। देखो 4 आ गया, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ 3 लिखेंगे। इसी तरह से अब हम 2 डिजिट का देखेंगे, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ देखना है 14। अब ये देखो ये 14 है, 14 का मतलब अब हम लोग 14 क्या है, अब यहाँ तो 14 काउंटिंग में नहीं है ना। तो अब हम लोग इसके बाद थोड़े सा इमेजिन करेंगे कि 14 के नीचे, जैसे मान लिया यहाँ 10 है, 11, 12, 13, 14, और क्या करना है, क्या है आफ्टर, तो इसका मतलब कि इसके नीचे का देखना है। तो 14 के बाद क्या होगा, मान लिया हम यहाँ 11 लिखे, यहाँ 12 लिखे, यहाँ 13 लिखे, यहाँ 14 लिखे, यहाँ 15। इस तरह से काउंटिंग हम लोग लिख नहीं सकते 100 तक, लेकिन ये तुम लोगों को समझने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने ये बताया है। तो देखो यहाँ 14 से जस्ट नीचे क्या है 15। इसका मतलब ये तुम लोग इस चीज़ को पूरी तरह से लर्न कर लो कि जो नीचे होगा वो फॉरवर्ड काउंटिंग होगा, या बाद में, यदि बाद में समझ लेते हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ देखो नीचे क्या है 15, तो यहाँ 14 के बाद क्या होगा 15, या तुम लोग कहो इसको कि 14 के बाद क्या है होगा 15। या हम एक चीज़ और हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग बाद में क्या बोलते हैं, जैसे है क्या है 9 के बाद हम लोग क्या बोलते हैं 10, तो जो हम लोग बाद में बोलते हैं वही नंबर आफ्टर होता है। चलो अब यहाँ 2 डिजिट का यहाँ है 14, तो 14 के पहले अब एक चीज़ देखेंगे कि 14 के ऊपर क्या है, ऊपर यानी 14 के पहले क्या है। तो 14 यहाँ है, यहाँ 14 है, देखो 14 के बाद का देखे, आफ्टर मतलब बाद में, तो 14 से नीचे गया है, या 14 के बाद क्या है 15, लेकिन 14 के पहले क्या है होगा 14 के पहले, या 14 के ऊपर, पहले मतलब ऊपर, 14 के ऊपर हम लोग क्या बोलते हैं, या 14 के पहले हम लोग क्या बोलते हैं 13, यहाँ हम लोग 13 लिखेंगे।
इसी तरह से अब यहाँ हम लोग देखेंगे बिटवीन का। तो बिटवीन क्या है, हम लोग बिटवीन में हम लोग फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं, जो भी नंबर रहेगा वहीं से हम लोग स्टार्ट होंगे फॉरवर्ड काउंटिंग के लिए। तो चलो फोर है, देखो फोर। अब यहाँ से फोर के बाद हम लोग क्या बोलते हैं भाई काउंटिंग में, फोर फाइव सिक्स, तो बीच में क्या आ रहा है फाइव, इसको हम लोग इस तरह से फिल करेंगे। तो इसको तुम लोग कंप्लीट करोगे और सेंड करोगे।